तो आज हम लोग बनाएंगे दूध के रसगुल्ले, पिट्ठा भी बोला जाता है, जिसको दूध का पिट्ठा भी बोला जाता है, और इसके अंदर से निकला नारियल का फिलिंग। बुरादा। अरे कभी तो कोई ढंग से बनाने दिया कर। अब चल बता पूरा रेसिपी, दिख तो तो रहा ही इसमें डाला होगा है, ऑडियंस को। इसमें डाला है 1 किलो चीनी, ड्राई एक फ्रूट्स 1 कप चीनी, ये है सूजी, ये है गुड़, ये है नारियल का बुरादा, और इसमें डाला है मिल्क मेड। फिर हम लोग लेंगे दूध पतीले में, फिर लेंगे पैन, पैन में हम लोग डालेंगे ऑयल, ऑयल के घी घी भी ले सकते हैं ऑयल के जगह, और उसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, बहुत सी ज़्यादा कॉमन और ड्राई फ्रूट्स लिए जो नॉर्मली आराम से अवेलेबल होता है, और उसे अच्छी तरह से भून के फिर मिक्सी में डाल देंगे पीसने के लिए। अभी से पीस के बुरादा बना देंगे, और बुरादा ये बन गया। फिर एक और बार सेम पैन लेंगे, और उसमें हम लोग डालेंगे फिर से ऑयल। कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना है। फिर हम लेंगे नारियल का बुरादा, और फिर उसे पैन में भूनेंगे जैसे हमने ड्राई फ्रूट्स को भूना था। अच्छे से भून लेंगे, और फिर भुने हुए बुरादे को फिर कितना भूनेंगे मम्मी, बस अरे भुनने दो जब तक वो अच्छा से सुनहरा ना हो जाए, तभी तो टेस्ट आएगा। सुनहरा के नाम पे मम्मी अब इसका गोल्ड का चेन बनाएगी। फिर उसमें डालेंगे गुड़, गुड़ डाल के उसे, और फिर जो हमने बुरादा बनाया था ड्राई फ्रूट्स का वो डाल के मिक्स कर देंगे अच्छे से। और थोड़ा सा बुरादा हम साइड भी रख लेंगे। फिर जब ये भून जाए अच्छी तरह से, उसे थोड़ा सा पानी डाल के उसे थोड़ा सा और यू नो डेंस कर लेंगे, और इसे हलवे जैसा भून भून के भून भून के इतना लाल कर देंगे कि ये लाल हो के समाई जाए। और फिर एक और कढ़ाई लेंगे, फिर इसमें डालेंगे दूध, जब दूध उबलने लग जाए तो फिर उसमें डालेंगे इलायची, फिर चीनी, चीनी चीनी 1 कप चीनी, फिर उसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। बनाने के लिए 1 किलो। फिर एक और पैन लेंगे, फिर उसमें डालेंगे दूध, सॉरी दूध नहीं पानी, और जो दूध में हमने इलायची डाल के उसे उबाला था उसे विस्क करते रहेंगे, और जो पानी हमने उबाला था उसे साइड में रखेंगे, और जो पानी ये सूजी सूजी को वो पानी में डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके, इसका आटा बनेगा। मम्मी एक्सपेरिमेंट्स करते रहती है, सूजी का हलवा बनाना चाहिए, मम्मी आटा बना रही है। ये हलवा बन चुका है, इसे हलवा ही रहने देंगे, पर थोड़ा सा थिक कर देंगे ताकि इसका आटा टाइप का कंसिस्टेंसी बन जाए। फिर हाथ में हम देंगे,
हाथ में हम लेंगे तेल, दांत तोड़ देंगे तेरे। गाइस पीछे वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो डोंट माइंड बैकग्राउंड साउंड। सो ये दूध, हम दूध जो हमने उबाला था उसमें फिर जो पीसे हुए ड्राई फ्रूट से उसे डाल देंगे। फिर उसमें डालेंगे मिल्क मेड। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मिक्सिंग मिक्सिंग एंड मिक्सिंग। और वो जो आटा बना था सूजी का उसे वो मतलब गरम करते रहेंगे ताकि वो और थिक ना हो जाए, और जब थिक हो जाएगा वो उसे बाहर निकाल के हाथ में ऑयल लेके उसे थोड़ा सा गूंद के उसका पिट्ठा टाइप्स बना लेंगे। हाँ पिट्ठा लेंगे, उसका बॉल बनाएंगे, पिट्ठा नहीं सॉरी आटा लेंगे उसका बॉल बनाएंगे, फिर उसके अंदर जो फिलिंग हमने बनाया था नारियल गुड़ और भी बहुत कुछ था वो देख लीजिएगा आप, वो सब डाल के इसे अच्छी तरह से बंद कर देंगे। आप चाहे तो मोमोज जैसा शेप भी कर सकते हैं, नहीं तो आप मोदक जैसा शेप भी कर सकते हैं। तो मम्मी ने मोदक जैसा शेप किया है और एक दो को मोमोज जैसा शेप दिया है। फिर से पैन लेंगे, उसमें करेंगे ठीक है पिट्ठा को वो करेंगे फ्राई, और फिर जो हमने दूध उबाला था उसमें पिट्ठा डाल देंगे। जितना अब ये है केसर, ये है केसर, और खोलते हुए पिट्ठा में डाल देंगे थोड़ा सा केसर टेस्ट के लिए। अरे तुम लोग तो हम लोग को आप लोग फ्रेंड्स जैसा देख रहे होंगे, बच्चे मुझे एडिटिंग नहीं करने देते हैं, वॉइस बताने भी नहीं दे रहे कि कैसे। और देखिए देखिए अर्नब चिल्ला रहा है, आप जैसा कि देख सकते हैं बॉयल उबलते हुए दूध जो हमने गाढ़ा गाढ़ा जो दूध बनाया था उसमें ये पिट्ठा को डाल दिए और इसे ये बन गया, और ढक के इसे छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद अब ये रहा हमारा दूध पिट्ठा रेडी है फीलिंग वाला। इसे फिर एक अलग से सुंदर से कटोरी में लेके उसे सजा धजा के आराम से अपने मेहमानों को सर्व कीजिए। और देखिए एकदम सॉफ्ट बना, एकदम रसगुल्ले से कम नहीं, और इसका फीलिंग जो किया गया है। आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, एक बार बना कर देखिए, बहुत ही आसानी तरीके से बन जाता है। देखिए इसके अंदर की फीलिंग, इसे दूध थोड़ा और ज़्यादा ले लीजिए तो आपको जितना दूध पसंद है उसको, और फिर इसे खाइए। ये बहुत 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 यम लगता, बहुत यम। और आप मुझे देख ही सकते मैं इसे कितना इंजॉय कर रही हूँ, विहान पीछे पता नहीं ताता भैया कर रहा है। प्लीज ट्राई दिस एट होम, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।